हेलो असलम जी स्टूडेंट्स तो हम पढ़ रहे थे कम्प्रहेंसिव टूरिज्म प्लानिंग प्रोसेस ठीक है तो so, इसमें मैंने हमने पढ़ा कि जो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ठीक है प्रोसेस होता है टू अचीव एज सक्सेसफुली द टारगेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द टारगेट ऑफ़ द कंपनी ठीक है तो so, ये कैसे जो है प्लानिंग प्रोसेस जो है हेल्पफुल होता है एक uh, जो प्लानिंग प्रोसेस में ठीक है तो so, टू अचीव है सक्सेसफुली टारगेट ठीक है एक गोल को अचीव करने में प्लानिंग प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके स्टेप्स हमने पढ़े कि प्रोसेस कौन कौन से कौन से स्टेप्स है ठीक है तो टूरिज़म प्लानिंग प्रोसेस में हमने ये ओवरऑल व्यू देता हूँ मैं फिर से एक बार कि हमने पढ़ा कि क्या क्या जैसे स्टेप्स में हमने पढ़ा कि पहले आपको क्या करना है कि डिज सिस्टम को जो है डिफ़ाइन करना है ठीक है कि क्या है साइज देखना है मार्केट देखना है कैरेक्टर देखना है ठीक है साइज पर्पस देखना है और उसके बाद जो है आपको फार्मूलेट करना है ऑब्जेक्टिव ठीक है आपको जो ऑबजेक्टिव जो फार्मूलेट करोगे अकॉर्डिंग टू द आपको जो है जो स्मार्ट uh, um, जो स्ट्रेटी है ठीक है उसके हिसाब से आपको बनाना है ठीक uh, है जो प्रिंसिपल है स्मार्ट प्रिंसिपल एक उसके हिसाब से आप बनाना है ठीक है एक्रोनियम जो स्मार्ट है जैसे एस से आता है स्पेसिफिक जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए एम से मेजरेबल होना चाहिए ए से क्या होना चाहिए अचीवेबल होना चाहिए ठीक है आर, आर से आर से रिचल होना चाहिए और टी से टाइम बाउंडिंग होना चाहिए ठीक है तो उसके बाद जो है आपका जो है आपको डेटा गैदर करना है डेटा गैदर करना है गैदरिंग करना है ठीक है जो डेटा आप गैदर करोगे वो आपको जो है मिल जाएगा ऑफलाइन मिल जाएगा ऑनलाइन मिल जाएगा प्राइमरी डेटा मिल जाएगा सेकेंडरी डेटा मिलेगा जो सेकेंडरी डेटा होता है वो अवेलेबल होता है जो प्राइमरी डेटा होता है वो आपको क्वेश्चनियर से आप कलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चनीर से ठीक है और सर्वे करने से आप कलेक्ट कर सकते हो जो ठीक है फ्रेश सर्विस जो करा जाता है उससे आप कलेक्ट करते हो प्राइमरी डेटाज़ जो सेकेंडरी डेटाज होता है वो अवेलेबल होता है ऑफ़लाइन आपको मिल जाता है इजीली जो है प्रोवाइडेड होता है ठीक है तो डेटा गैदरिंग करना आपको अबाउट टू योर कंपनी जो भी कंपनी का जैसे कि जो भी है जैसे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसकी उसके रिलेटेड आपको जो डेटा कलेक्ट करना है ठीक है तो इन्वामेंट के रिलेटेड कलेक्ट करना है इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वामेंट पे जो आपको रिसोर्स चाहिए उसके रिलेटेड इम्पैक्ट ये जो है डेटा कलेक्ट करना है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए आपको उसका उसके रिलेटेड जो है डेटा गैदर करना है ठीक है तो बाकी चीज़ और भी जो है कि लोगों का जो है जो भी कस्टमर जिनको टारगेट करो जो मार्केट को टारगेट करो वहाँ का जो है जो जो है प्रॉपर्टीज़ है जो कैरेक्ट्रिस्टिक्स है फीचर्स वो सारी चीज़ें आपको उनका डेटा कलेक्ट करना है और जो है वहाँ का जो है जो टारगेट टारगेट मार्केट है जो कस्टमर्स हैं उनका बिहेवियर आपको उसके रिलेटेड जो है कस्टम्स कल्चर के रिलेटेड जो है आपको जो है डेटा कलेक्ट करना है फिर उसके बाद जो है एनालाइज़ करना आपको, है आपको ठीक है इंटरप्रेट करना एनालाइज़ करना है कि डेटा उसको एनालाइज करने के बाद जो है उसको डेटा को जो है जो भी आपने डेटा करे जो अकॉर्डिंग टू आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है आपको कलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टिंग करना है सॉर्टिंग के बाद जो है आपको माइनिंग करना है वही डेटा लेना है जो नीडेड है ठीक है जो रिक्वायर्ड है फॉर टू प्लानिंग तो उसके बाद जो है आपको जो इंटरप्रेट करना है ठीक है उसको इंटरप्रेट करना है जो भी डेटा उसको इंटरप्रेट तभी कर पाओगे जब आप डेटा को सॉर्टिंग करोगे कलेक्ट करोगे ठीक है तो उसके बाद जो एक एक कंक्लूजन पे पहुंचना है जो वही डेटाज़ लेना है जो रिक्वायर्ड है फिर उसको रिकमेंड करना है आगे पहुँचाना है ठीक है जो प्लानिंग प्रोसेस बना रहे जो प्लानिंग में लगे हुए है जो भी मैनेजमेंट तो प्ले प्रीलिमिनरी जो है प्लानिंग जो है उसमें जो है आपको ड्रॉन करना है स्कीच ड्रॉन करना है इलास्ट्रेट करना है जो भी आपने जो है प्रीवियस डेटा से जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है ठीक है उसका जो है एक ब्लू बनाना है ठीक है तो ताकि जो है ब्लूप्रिंट को टे टेस्ट करना है अल्टरनेटिव जो है सोलूशंस बनाने तो उसकी वजह से ताकि जो है उसको जो है एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है आप जो है प्रॉपर जो ब्लू प्रिंट आपने बनाया होगा उसको देखते हुए जो है आप जो इम्प्लीमेंट कर सके सक्सेसफुली ठीक है तो वो जो है आपको एक डायरेक्शन देगा ठीक है एक ब्लू प्रिंट क्या देता है एक डायरेक्शन देखता है डायरेक्शन कब तक देरेक, डायरे एक डायरेक्शन देखता है कि जो है आपका जो गोल होता है जो गोल होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने में एक डायरेक्शन देखता है ठीक है तो उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे अप्रूव अप्रूविंग द प्लान्स ठीक है अप्रूविंग प्लान से पहले भी in making, in जो भी पार्टीज़ है इन्वॉल्ड इन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग इन जो प्लानिंग प्रोसेस ठीक है तो कैन नोट लुक एट द प्लान्स उनको प्लान्स जो भी बनाए उनको देखना है जो ड्राविंग स्केच है मॉडल्स है उनको देखना है और एस्टिमेट करना है कॉस्ट को एस्टिमेट करना है प्रॉफिट्स को जो भी है ठीक है प्रॉफिट्स आने वाला है पहले से देखना है कितना प्रॉफिट जो भी आप बिज़नेस करोगे उसका जो प्रॉफिट कितना जो है आएगा ठीक है अगर बहुत ही लेस होगा तो कोई अगर ना के बराबर प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है तो आपको जो है बिज़नेस वही पर जो है रोक देना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना है आपको ठीक है अगर आपको लगे कि इसमें जो अच्छा खासा प्रॉफ़िट है ठीक है तो फ्यूचर में इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है तो तभी जाके आपको जो जा बिज़नेस जो है आपको करना है ठीक है आपको एस्टिमेट कॉस्ट करना अगर इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है जो कि है बहुत ही ज़्यादा है जो कि आपकी जो है पोटेंशियल के हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से जो है आप बहुत ही एस्टिमेशन जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है वहीं पे काम रोकना है आपको ज़्यादा आगे नहीं फिर आगे नहीं बढ़ना है ठीक है तो कॉस्ट अगर कम होगा जो आपका कैप जो आपकी कंपनी का कैपेबिलिटी है जो ठीक है तो जितना आप उठा सकते हो कॉस्ट तो उतने ही उतना ही अगर होगा तो जो है तब जाके जो है जो है जो प्लानिंग प्रोसेस को है आगे बढ़ाना है ठीक है तो उसमें आपको देखो दूसरा चीज़ आपको जो है इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है सक्सेस और फेलियर्स ठीक है सक्सेस और फेलियर्स आपको देखना है कि कंपनी जो है सक्सेस होगा कि फेलियर होगा ठीक है पहले आपको एस्टिमेट करना है कि चांस ऑफ़ सक्सेस ज़्यादा है कि फेलियर है अगर चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा होगा तो आपको वहीं पे काम रोकना है अगर सक्सेस होगा तो फिर आपको काम बढ़ाना है क्योंकि अगर फिर बाद में एक बार आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया अपने प्लान को तो फिर जो है बहुत ही मुश्किल होगा जो भी आपने पैसे जो भी आपने लगाया है बिज़नेस में तो वो जो है क्या होगा कि वो वेस्टेज हो जाएगा वो सारा का सारा जो है वेस्ट हो जाएगा पैसे आपका ठीक है तो uh, जो है hmm. अगर आपको लग रहा है सक्सेस हो रहा है तो तभी इम्प्लीमेंटेशन करना है आपकी कंपनी को फाइनल प्लान में क्या करना है कि दिस फेज टापिकली इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ अ वेन वेरियस एस्पेक्ट्स कॉविड फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ डेस्टिनेशन डेफिनेशन ऑफ द लैंड यूज सैवेज वाटर एंड यूटिलिटीज Archi architectural standards, landscape plans, zoning, and other land use regulations, economic analysis, market analysis, and the finance self programming are to be covered. Okay. तो फाइनल प्लान में क्या करना है कि तो आखिर देखो आपने एक बार अप्रूव कर दिया जब प्लानिंग को आपको लगा कि हाँ जी सक्सेस होगा तो कि उसके बाद जो है आपको जो है फाइनल प्लान में क्या करना है कि आपको जो है हर चीज़ और हर एक्सपेक्ट को जो है जो भी एक्सपेक्ट जो भी आपके बिजनेस के से रिलेटेड है ठीक है तो उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनल प्लान करना है ठीक है जो भी रिलेटेड है ठीक है जैसे रिलेटेड ये हो सकता है कि इन्वामेंट हो सकता है आसपास का सोशल इन्वामेंट होता है जहाँ पे आपको बिजनेस इस्टेबलिश करने जहाँ इन जो इंडस्ट्री बनाने जहाँ पे जैसे कि होटल्स बनाना जो भी बनाना आपको जो सर्विस प्रोवाइड करता है टूरिज़म को ठीक है तो वहाँ पे आपको देखना है इन इर्द इर गिर्द सोशल इन्वामेंट को देखना है इन्वामेंट को देखते हुए ठीक है वाटर जो भी वहाँ पर होगा ठीक है जो भी जैसे वाटर चैनल्स होंगे या कुछ भी होगा ठीक है लोगों को देखते हुए वो उस भी और लीगल वहाँ का जो लाज होगा बाकी चीज़ें वो सब चीज़ों को देखते हुए उन सभी एक्सपेक्ट्स को देखते हुए जो आपको फाइनल प्लान बनाना है इनकेस ऑफ द डेस्टिनेशन है डेफिनेशन ऑफ द लैंड यूज़ ठीक है आपको जो है लैंड यूज़ कैस किस तरीके से करना है तो वहाँ पे लैंड यूज़ का जो लीगल प्रोसेस बाकी चीज़ें है वो देखना है आपको आपको सेवेज देखना है जो भी आपका गंदगी वो सारी चीज़ें वहाँ वो कहाँ पर डम्पेज करना है ठीक है वो सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ठीक है कि आपको देखना है कि वो डैमपेज पेज काम है जो भी आपका सेवेज आपकी कंपनी से आपके जो है उस इंडस्ट्री से निकलेगा जो भी जो होटल है वहाँ से निकलेगा वो कहाँ पे आपको उसका जो है सेवेज को जो है पेज करना है तो वो आपको देखना है तो वाटर जो भी यूटिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो रिक्वायरमेंट आपको कहाँ से मिलेगा ठीक है वो सारी चीज़ें देखना है और जो रिसोर्सेज है आपको वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगा ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको प्लान बनना है न और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आर्किटेक्चुरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो लॉज होते हैं जो कानून के जिसके दायरे में आपको काम करना है वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट को देखते हुए आपको प्लान्स बनाने ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखते हुए रेगोल्यूशन इकोनॉमिक एनालिसिस देखना है आपको किस किस स्टेज में रेस्टन में तो नहीं है ग्रोथ क्या है मार्केट शेयर क्या है एनालिसिस क्या है फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग ठीक है तो फाइनेंशियली चीज़ें वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको जो है एक लास्ट में सारी चीज़ों को कवर करना आपको उन सब चीज़ों को जब आपने कवर किया जब आपको लगा कि आपने हर एक्सपेक्ट को देख लिया ठीक है कहीं पे कुछ आपकी वजह से आपकी जो इंडस्ट्री की वजह से जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ठीक है और सारी चीज़ों को पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप बना रहे हो तो प्लानिंग फिर जो है आपको जो फाइनल प्लान बना देना है ठीक है तो ये चीज़ फिर जो है लास्ट में क्या करना होता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना होता है ठीक है इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑपरेशनलाइजिंग द टूरिज्म प्लान इट आल्सो फॉलोज अप मॉनिटर्स एंड इवाल्वर्स गुड प्लानिंग प्रोवाइड्स कंटिन्यूइंग फीडबैक ऑन टूरिज्म प्रोजेक्ट एंड द लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिसफेक्शन तो इम्प्लीमेंटेशन में देखो तो लास्ट में क्या होता है कि जो भी आपने प्लान बना लिया आपने ये सारी चीज़ें जब आपने देख लिया कि ठीक है फाइनल प्लान हर चीज़ को कवर अप कर लिया ठीक है तो ब्लूप्रिंट बना लिया बाकी चीज़ें डेटा का कर दिन करके ब्लूप्रिंट बना लिया बाकी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए प्लान बना लिया ठीक है तो आपको क्या करना आपको ये लगा कि हाँ जी सक्सेसफुल हो रहा है ठीक है फिर आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन करना उसको जो है रियल लाइफ में फिज़िकली जो है इम्प्लीमेंट करना है ठीक है तो इम्प्लीमेंटेशन वो होता है कि इसमें क्या है कि ऑपरेशनलाइजिंग द टूरिज्म प्लान जो भी आपने टूरिज्म प्लान्स बनाए हैं उसको ऑपरेशन में लाना ठीक है ऑपरेशन में मतलब रन में लाना ठीक है उसको जो है काम सीधे स्टार्टअप करना ठीक है ऑपरेशनल करना तो वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन तो इट आल्सो फॉलोज़अप इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन में ये फॉलोज अप भी आता है ठीक है एक बार इम्प्लीमेंट किया आपने सभी प्रोसेस को जो है अप्लाई किया उसके बाद आपको फिर से फॉलोअप करना है ताकि जो है कहीं पर कुछ फॉलोअप क्या होता है कि फिर से स्टेप फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड स्टेप थर्ड स्ट एंड हो गया फिर से वन स्टप्स सेकेंड स्टेप वो फॉलोअप करना है ताकि जो है कोई जो है उसमें प्रॉब्लम ना दिखे ठीक है प्रॉब्लम्स और कोई रुकावट ना आए और जो है प्लानिंग जो है स्मूथली चला है, चले ठीक है तो मॉनिटर करना आपको मॉनिटर ये करना है इम्प्लीमेंटेशन के वक्त देखना है सुपरवाइजिंग करना है देखना है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं चेकअप करना है ठीक है कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर आपने सीधे मोन इम्प्लीमेंट कर लिया विदाउट देखें मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम अपने मॉनिटर नहीं किया तो वो बहुत ही रिस्क है ठीक है कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है इंप्लीमेंटेशन जो आपने प्लान बनाया होता है इम्प्लीमेंटेशन और प्लान बनाना बहुत ही उसमें डिफरेंस है एक डिफरेंस को एक प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ठीक है और स्मूथली इंप्लीमेंटेशन में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस <coughs> होता है ठीक है तो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त आपको सुपरवाइज करना है इवालवेट करना है देखना है आपको कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं प्रॉब्लम नहीं अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे कुछ है तो आपको सॉर्ट आउट करना है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना है ताकि जो है स्मूथली जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए ठीक है प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मॉनिटर करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन टाइम ठीक है तो गुड प्लानिंग प्रोवाइड्स मैकेनिज्म दैट गिव्स कंटिन्यूइंग फीडबैक ऑन टूरिज्म प्रोजेक्ट एंड द लेवल ऑफ द कंज्यूमर सेटिसफेक्शन रीच ठीक है जो गुड प्लानिंग होता है वो क्या करता है प्रोवाइड अर मेकनिज्म दैट गिव कंटिन्यू फीडबैक एक गुड प्लानिंग में देखो एक गुड प्लानिंग में जो है फीडबैक होता है ठीक है जिसमें फीडबैक नहीं होगा देखो फीडबैक किसे कहते हैं जो फीडबैक हो गया कि <laughs> फीडबैक हो गया कि मतलब राय देना ठीक है एक जैसे राय देना फीडबैक देना क्या कहते हैं उसको राय देना ठीक है कि मतलब कहाँ पे दिक्कत है कहाँ पे प्रॉब्लम है ये सारी चीज़ें किसी को अगर लग रहा है स्टाफ में मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजर जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम उसको दिखा मॉनिटर किया उसको दिखा तो उसको देखना है उसको बताना है फीडबैक देना है कि हाँ रिप्लाई देना है कि स्मूथली uh, चल रहा है कि नहीं चल रहा प्रॉब्लम कहीं पर है कि नहीं पे तो ये हो गया फीडबैक आपका तो गुड प्लानिंग जो है प्रोवाइड करता है ठीक है जो जो गुड जो भी गुड प्लानिंग हो, तो होता है उसमें फ़ीडबैक होना ज़रूरी होता है अगर जिसमें गुड जहाँ पे फीडबैक नहीं होगा उसका मतलब है वो गुड प्लानिंग नहीं है ठीक है तो गुड टूरिज्म गुड प्लानिंग में फीडबैक होना जरूरी है कंटिन्यू फूड फीडबैक होना चाहिए ऑन टूरिज्म प्रोजेक्ट में जो भी आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो उसमें कंटिन्यू फीडबैक होना चाहिए बट टाइम टू टाइम ठीक है मोनीटर करने पर इवेलुएट करने पर जब इवेलुएट किया आपने मोनिटर किया तो टाइम टू टाइम फीडबैक देना है टॉप मैनेजमेंट को ठीक है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको बताना है कि हाँ जी जो है ये जो प्रोसेस स्मूथली चल रहा है कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है या तो प्रॉब्लम है तो बनाना है बताना है इवालवेट करती हुई जाना है तो एंड द लेवल ऑफ द कस्टमर सेटिसफेक्शन रीचड ठीक है तो जब गुड प्लानिंग होता है फीडबैक होता है तो जो है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जो रीस्ड होता है और देखो फीडबैक और और एक दूसरा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद कोई भी जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कस्टमर से भी जो है आपको फ़ीडबैक लेना है ठीक है जो जिस जो भी आप सर्विस दे रहे हो कस्टमर को उसे फीडबैक लेना है उससे राय पूछना है कि क्या आपको लगता है ठीक है सर्विसेज के बारे में हमारे सर्विसेज के बारे में तो कस्टमर को पूछना है कि अपने सर्विसेज के बारे आपके सर्विसेज के बारे में क्या उनको लग, उनको लगता है ठीक है किस हिसाब का क्या चेंजिंग की जरूरत है तो वो सारी चीजें सुनना है ठीक है उनका तो अगर वहां पे अगर कस्टमर हो गए होंगे तो वो आपका सक्सेसफुल है अगर अनसेफाइड है इसका मतलब है जो आपके प्लानिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है ठीक है तो ये हो गया देखो स्टेप्स ऑफ टूरिज्म प्लानिंग प्रोसेस ठीक है तो टूरिज्म प्लानिंग प्रोसेस इसमें हमने पढ़े स्टेप्स ठीक है तो किस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है एक प्लानिंग को तो इसी के साथ जो है आपका जो है ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म प्लानिंग प्रोसेस टॉपिक जो है कंप्लीट होता है तो अल्लाह हाफिज़ टेक केयर